we are discussing the essentials of a valid contract. और इसमें जो second condition है किसी भी contract के valid contract होने में वो है there must be mutual consent of the parties. ये बहुत ही important point है, इसको हम अच्छे से समझेंगे, इसको directly exam में भी ये आ जाता है. Mutual consent यानी अगर दो parties हैं, आपस में वो contract कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोनों की जो consent है इस कॉन्ट्रैक्ट में वो म्यूचुअल होनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि देयर शुड बी कंसेंसस एड आइटम यानी मीटिंग ऑफ द माइंड्स, यानी दोनों के दोनों एक ही चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं और उसके बारे में ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ये डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछा जाता है, सो यू शुड बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल कि आपको ये अच्छे से समझना भी है और एग्जाम में लिखना भी है. कंसेंसस एड आइटम इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ द माइंड्स, यानी म्यूचुअल कंसेंट तभी माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में जब वो दोनों पार्टीज का जो माइंड है वो मीट कर रहा है. अब ये माइंड मीटिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दे मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक पर्सन है, वो किसी पर्टिकुलर पेंटिंग की बात कर रहा है, मान लीजिए एक पेंटिंग है और ये ए पर्सन ये पेंटिंग परचेस करना चाहता है और बी पर्सन यही पेंटिंग इसको सेल करना चाहता है और रेंट पे नहीं चाहिए, सेल करना है. दोनों का सेम थिंग सेम सेंस है, इसका मतलब यहां पर कंसेंट है, म्यूचुअल कंसेंट इज देयर. जब दोनों एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं और सेम चीज सोच रहे हैं, यानी खरीदना है उसको बेचना है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि देर इज अ कंसेंसस एड आइटम, देर इज मीटिंग ऑफ द माइंड. अगर यहां पर ये ए जो है ये किसी और पेंटिंग के बारे में सोच रहा है और बी किसी और पेंटिंग के बारे में, यानी दोनों ही पेंटिंग खरीदने और बेचने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये जो है इससे ए वाली पेंटिंग खरीदना चाहता है जबकि ये है वो बी वाली पेंटिंग खरीदना बेचना चाह रहा है उसको, तो ऐसे में यहां पे मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं माना जाएगा. इसका मतलब कंसेंसस एड आइटम एब्सेंट रहेगी, तो म्यूचुअल कंसेंट नहीं है यहां पे. और अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, सेम थिंग सेम सेंस में नहीं सोच रहे हैं, तो इट कैन नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो इसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह ही नहीं सकते. इसका क्योंकि ये एग्जाम में आता है इसलिए मैं एक और एग्जाम्पल यहां पर देना चाहता हूं कि मान लीजिए एक पर्सन है, उसके पास दो हॉर्सेस हैं एंड ये जो हॉर्सेस हैं ये दोनों ही अलग अलग कलर के हैं, दोनों ही अलग अलग कलर के हॉर्सेस हैं, एक वाइट है और दूसरा एक और इसके पास हॉर्स है जो कि ब्लैक कलर का है मान लीजिए. अब यहां पर ये जो पर्सन है जिसके पास दो घोड़े हैं, ये दूसरी पार्टी को इनमें से एक घोड़ा बेचना चाहता है. ए वॉन्ट टू बाय वन हॉर्स और ये जो हॉर्स खरीदना चाह रहा है ए, ही इज थिंकिंग अबाउट व्हाइट हॉर्स. ऑन दी अदर हैंड बी जब इसके साथ डील कर रहा है, ए इज सेइंग दैट आई वॉन्ट टू बाय योर हॉर्स. ठीक है, अभी उसने व्हाइट है या ब्लैक हॉर्स है ये नहीं बताया, ही इज नॉट सेइंग कि व्हाइट और ब्लैक, ही इज जस्ट सेइंग आई वॉन्ट टू बाय योर हॉर्स, विल यू सेल योर हॉर्स टू मी फॉर लेट से 50,000 रुपीज, 50,000 में क्या आप मुझे अपना घोड़ा सेल करेंगे? तो यहां पर बी कहता है थिंकिंग ऑफ ब्लैक हॉर्स, यानी इसको ब्लैक हॉर्स बेचना है, ही इज थिंकिंग ऑफ ब्लैक हॉर्स एंड ही एग्री टू दिस, क्योंकि व्हाइट हॉर्स के लिए शायद वो और ज्यादा प्राइस लगा सकता था, वॉट एवर मे बी द केस. लेकिन यहां पर ए ने जस्ट बोला है कि आई वॉन्ट टू बाय योर हॉर्स फॉर 50,000 एंड बी इज रेडी, अज्यूमिंग बी ये सोच रहा है कि उसको ब्लैक हॉर्स चाहिए एंड ही इज रेडी टू सेल फॉर 50,000.
तो यहां पर इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है ऑफर एक्सेप्टेंस की, एक घोड़ा खरीदना है, लेकिन दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दे आर नॉट एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग सेंस। सो इस वजह से यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक चीज और याद रखनी है, जब कभी भी ऐसा होता है कि जब म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, इट मीन्स दे आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस, तो इसको हम म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी बोलते हैं, और ऐसे में ये वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, इस तरह का एग्रीमेंट वॉइड मान लिया जाता है, क्योंकि वो सेम चीज सेम सेंस में नहीं सोच रहे हैं, दे आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो ये भी आगे चल के आएगा, म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो हम आगे देखेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि यहां पर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, और क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट नहीं है सो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज द सेकंड इसेंशियल कंडीशन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज, दे शुड बी थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मान लीजिए इसी में अगर दोनों के दोनों व्हाइट हॉर्स के बारे में ही सोच रहे हैं एंड दे आर डीलिंग फॉर द व्हाइट हॉर्स, तो ऐसे में हम बोल सकते हैं जरूर कि देर इज अ म्यूचुअल कंसेंट एंड दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, इट विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां पर म्यूचुअल कंसेंट है पार्टीज की।